हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। बेसिकली आज हमारा पहला लेक्चर स्टार्ट है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे कंपनी लॉ। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इन सीएस एग्जीक्यूटिव। वेलकम वनतकम, और मुबारक कि आप सीए फाउंडेशन या सीएसईटी क्लियर कर एक स्टेप ऊपर आ गए हैं। बस स्टेप ऊपर हुई है, थोड़ा सा लेवल ऊपर हो जाएगा, थोड़ा सा पढ़ने का तरीका बदल जाएगा, थोड़ी मेहनत प्लस करनी है तो अपने आप रिजल्ट प्लस हो जाएगा। तो बच्चों, अपने बारे में तो सर आपने बताया ही नहीं। माई सेल्फ सचिन, आई एम कंपनी सेक्रेटरी, अलोंग विद आई एम LLB एंड LLM। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ओम श्री गणेशाय नमः, दैट इज द इंट्रोडक्शन लेक्चर। और आज जो है, हम जो हमारा मेन ग्रंथ है कंपनी लॉ, उसकी बेसिक चीजें पढ़ेंगे। चाहे ये आपके कोर्स का पार्ट हो या ना हो। सर ऐसा क्यों, पहले ही ICSI ने इतना कोर्स दे रखा है, हम क्यों पढ़ें सर जबरदस्ती? तो बच्चों, ये मान लो कि जो पार्ट है वो एक कंटेंट है, लेकिन जो उसकी फाउंडेशन है, जो उसकी जड़ है, वो आपका बेसिक चीजें होती हैं, एलिमेंट्री नॉलेज होती है कि कंपनी लॉ क्या है। कोई क्वेश्चन में नहीं पूछेगा व्हाट डू मीन बाय द कंपनी लॉ, हाउ मेनी सेक्शन अंडर द कंपनी एक्ट, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन क्योंकि हमारा जो कैरियर है वो डिपेंड होता है बेसिक नॉलेज, बेसिक नॉलेज, बेसिक टेक्निकलिटीज, प्लस प्लस आपकी कंटेंट नॉलेज। और हमें पता होना चाहिए हर एक्ट का बैकग्राउंड, क्योंकि बैकग्राउंड से ही हमें बहुत सारी बातें अपने आप समझ में आ जाती हैं कि वो आगे आकर एक्ट की इंटेंट क्या है, इंटेंट ऑफ द लॉ क्या है। केवल वर्ड से लो नहीं पढ़ा जाता, स्पिरिट से लो पढ़ा जाता है। और ट्रू स्पिरिट उसे बोलते हैं कि आपको वर्ड का इंटरप्रिटेशन भी क्लियर हो और साथ के साथ आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी क्लियर हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंपनी लॉ जो आपके सामने है। सबसे पहले बेसिक चीजें जो आप फाउंडेशन लेवल पर पढ़कर आए हैं कि थ्री ब्रांचेस होती हैं गवर्नमेंट की, लेजिस्लेटिव ब्रांच जो लॉ मेकर ब्रांच होती है, ये लॉ मेकर हो गई, एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो लॉ बना दिया पार्लियामेंट ने उसे इंप्लीमेंट करती है, और जुडिशियल ब्रांच लॉ को इंटरप्रिटेट करती है या जस्टिस प्रोवाइड करती है। तो इन्हें हम ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट भी बोलते हैं। अब ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये तो एक जर्नल है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बता रखा है कि देयर आर द थ्री बॉडी, वन इज द लेजिस्लेटिव, वन अदर इज द एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज द जुडिशरी। तो अगर मैं कहूं कि इन रेस्पेक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट, ये ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, तो सेम चीजें आप बेसिक समझ लीजिए। ये मशीनरी
भी मैं आपको बता रहा हूं, इसे आप मशीनरी भी बोल सकते हैं कंपनी दर की। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी सेम पैटर्न है। लेजिस्लेटिव सर जी किसने बनाया कंपनी दर? पार्लियामेंट ने बनाया। एग्जीक्यूटिव बॉडी एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। कौन सी मिनिस्ट्री है जो आपके कंपनी एक्ट को इंप्लीमेंट करती है? दैट इज एमसीए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। इसके नीचे क्या आ गया सर? आरडीज आ गए आपके, और उसके नीचे आ गई आपकी आरओसी। जब मैं पढ़ाता हूं बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड यूज हुआ है, तो पूरे कंपनी लॉ में जहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड यूज होगा उसका मतलब है आपका एमसीए। सर जुडिशरी बॉडी, कंपनी लॉ के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं, जुडिशरी बॉडी कौन सी है कंपनी लॉ के रेस्पेक्ट में? सर आपकी एनसीएलटी और एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। आरडी रीजनल डायरेक्टर, आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो कंपनी एक्ट का स्ट्रक्चर ये है। कंपनी एक्ट मशीनरी, प्रैक्टिकली मशीनरी अगर मैं बात करूं तो आपके जो है सामने स्क्रीन पर है कि कंपनी लॉ बनाया किसने? पार्लियामेंट ने बनाया। क्लियर माय लॉर्ड? एग्जीक्यूट कौन करता है? प्रैक्टिकली एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, जिसने आरडीज बना रखे हैं रीजनल लेवल पर, और फिर नीचे सबसे नीचे वाले लेवल पर आरओसीज बनी हुई हैं, डाटा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। और मैं आपको क्लियर तरीके से बताऊं तो ये आपकी इंडिया, सॉरी मेरी थोड़ी सी ड्रॉइंग गलत है पर थोड़ा सा समझ सकते हैं, ये आपका हिंदुस्तान। इज दैट क्लियर? अब इस पूरे को, पूरे के लिए कौन बैठा हुआ है बच्चे? पूरे हिंदुस्तान को इंप्लीमेंट करने के लिए कौन बैठा हुआ है? वो हो गया आपका एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, दैट इज सीजी। ओके, अब मैं बात करूं, अब ये जो रीजन में बना दिए इन्होंने आरडीज, जो रीजन बच गए ये क्या बन गए बेटा? आरडीज, रीजनल डायरेक्टर रीजन वाइज। और फिर इनके अंदर छोटे छोटे स्टेट हो गए जिनके लिए आरओसी बनाई। यानी कि हाउ मेनी आरडीज? 7 आरडीज, जिसमें 4 आपके आरडी हैं और 3 आपके सब आरडी हैं, सब रीजनल डायरेक्टर हैं। अब आरओसी 19 आरओसी। फिर बच्चा क्वेश्चन पूछता है सर स्टेट तो इतने सारे हैं, आरओसी तो कम है, यूटीज भी हैं। तो कुछ आरओसीज ऐसी हैं हर स्टेट की जिसकी अपनी आरओसी भी है, कुछ आरओसी ऐसी भी हैं जो एक आरओसी के स्टेट को देख रही है, कुछ आरओसी ऐसी भी हैं, कुछ आरओसी ऐसी भी हैं, या कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहां दो दो आरओसी हैं। तो एक टेक्निकल क्वेश्चन यहां से अराइज हो जाता है
आरओसी के रेस्पेक्ट में इज एवरी स्टेट हैव ओन आरओसी, क्योंकि आरओसी तो सर 19 बता रहे हो आप, कुछ क्या टू स्टेट हैव सिंगल आरओसी, कुछ वन स्टेट हैव टू आरओसी, तो तीनों तरह की संभावनाएं देखने को मिलती हैं बच्चे। और कभी कभी ऐसे भी पूछ ले जाते हैं, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं बच्चों से कि ऐसे स्टेट बताइए, ऐसे स्टेट बताइए कि जहां दो आरओसी हैं, वन स्टेट हैव टू आरओसी, या ऐसे दो स्टेट बता दो जिनकी कॉमन आरओसी है। तो अगर मैं कहूं बच्चों दिल्ली और हरियाणा की कॉमन आरओसी है, दिल्ली में कॉमन आरओसी है बच्चों, और ऐसे दो स्टेट कौन से हैं जिनमें दो दो आरओसी हैं, तो महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। महाराष्ट्र में मुंबई एंड पुणे, ये दो स्टेट ऐसे हैं महाराष्ट्र और तमिलनाडु जिनमें दो दो आरओसी हैं। तमिलनाडु में आपकी चेन्नई एंड कोयम्बटूर, तो सबसे ऊपर कौन आया बेटा, सबसे ऊपर आया आपका एमसीए, उसके नीचे आरडी, उसके नीचे आरओसी। आप कंपनी जैक्ट को पढ़ेंगे, किसकी अप्रूवल की जरूरत है, मान लो कहीं आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, तो एमसीए, समझ में आया। तो ये बात मैंने आपको इसलिए बताई पहले ही कि ताकि जो है बच्चों को क्लियर हो कि ऑर्गन्स किस तरीके से मैच करते हैं कंपनी जैक्ट के साथ। हाँ जी, अब दूसरा बड़ा क्वेश्चन, सर एक्ट में सेक्शन कितने हैं। एक्ट होता है, जब भी हम कोई कानून पढ़ते हैं, सेक्शन इज द पार्ट ऑफ द एक्ट। सेक्शन क्या होते हैं, सेक्शन इज द पार्ट ऑफ द एक्ट, कि सेक्शन कितने हैं एक्ट में। लो बच्चों 470 सेक्शंस हैं, ज्यादा नहीं है, रियली ज्यादा नहीं है। सर हद हो गई, हम एक सर्किल से काफी कुछ सीखेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सेक्शन लर्न करते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक्सेल शीट बनाते हैं, वन सेक्शन वन में है, सेक्शन टू में है, सेक्शन थ्री में है, सेक्शन फोर में है, सेक्शन फाइव में है, सेक्शन सिक्स में है, सेक्शन सेवन में है, और क्या होता है आफ्टर सम टाइम, मुश्किल से आधे घंटे के बाद ही फिर भूल जाते हैं, फिर रट्टा मारो, नो रट्टाफिकेशन एट ऑल। हम एक सर्किल बनाएंगे और उसमें ग्रुपिंग करेंगे सेक्शन की। उससे पहले हाउ मैनी चैप्टर, सर 29 चैप्टर है, एंड हाउ मैनी शेड्यूल, 7 शेड्यूल है। तो कितने सेक्शन हुए बच्चों, कितने चैप्टर हुए और कितने शेड्यूल हुए। तो कितने सेक्शन हुए बच्चे बताइए, सर जी 470 सेक्शन, कितने चैप्टर हुए सर जी 29 चैप्टर। सर जी कंपनी लॉ में भी 29 चैप्टर है, आईसीएसआई की बुक में, सर जी आईसीएसआई की बुक के चैप्टर नहीं है, कंपनी जैक्ट के चैप्टर हैं, समझ में आया। कितने शेड्यूल हुए, 7 शेड्यूल हुए। तो ये
कंपनी का कंपोजिशन है कि आज से हमें शुरू कर देना है, बस हमारी बैकबोन है, हमारे प्रोफेशन का बैकबोन है बच्चे कंपनीज एक्ट एंड सिक्योरिटीज लॉज। समझ में आया? तो अब अगली चीज, कंपनी का मीनिंग क्या है? कंपनी के मीनिंग से पहले, वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, कंपनी के मीनिंग से पहले हम चाहेंगे कि कंपनी एक्ट का बैकग्राउंड डिस्कस कर लें। क्या कर लें डिस्कस बेटा? कंपनी एक्ट का बैकग्राउंड डिस्कस कर लें, जो कि आपके चैप्टर फर्स्ट में मेरे नोट्स में आपको मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि पहला टॉपिक जो है वो किस चीज को शो कर रहे हैं आपके, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी लॉ। कंपनी लॉ कैसे बना, किस कमेटी ने कंपनी लॉ की रिकमेंडेशन दी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस कमेटी ने कंपनी लॉ की क्या दी, रिकमेंडेशन दी। तो जैसा कि आपके सामने है, मेरा पहला टॉपिक है, वन टू वन टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी लॉ। अमेंडमेंट अभी नहीं पढ़ेंगे, बात की बात है कब कब हुए, ज्यादा अमेंडमेंट नहीं हुए हैं, 2013 में आपका कानून आया है, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ द कंपनी एक्ट, और फिर हम आएंगे कंपनी लॉ के ऊपर, फिर हम डेफिनेशन वाला पोर्शन कवर करेंगे। आपको एक बात पता होगी बच्चों कि जब भी कोई एक्ट बनता है तो उसका प्रोसेस क्या होता है। चलो इसे भी थोड़ा सा ओवरऑल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक बिल बनता है जिसे विधेयक बोलते हैं। बिल इंट्रोड्यूस हो गया पार्लियामेंट में, बेसिक चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। फिर इसके दोनों हाउसेस के थ्रू पास होता है, इसे लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद फिर प्रेसिडेंट साहब की एसेंस होती है, सहमति होती है, सिग्नेचर होते हैं। फिर ये ऑफिशियल गजट में पब्लिश होता है और उसके बाद बन गया एक्ट, एक कानून बन गया। तो ये एक बेसिक प्रोसेस होता है। अब आपको ये तो पता है जी, एक्ट का नाम है क्या, कंपनी एक्ट 2013। लेकिन कभी सीधा एक्ट बन गया या बिल हुआ होगा कभी? तो एक बेसिक ओवरऑल चीजें, पहले एक कंपनी बिल हुआ होगा, पहले तो बिल ही हुआ होगा ना बेटा। बिल होने के बाद पार्लियामेंट में गया होगा, लोकसभा में पास हुआ होगा, राज्यसभा में पास हुआ होगा, हुआ होगा, हो चुका है ना। फिर एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति साहब के सिग्नेचर हो गए और फिर ये ऑफिशियल गजट में पास होकर एक्ट बन गया। अब आपके सामने एक्ट है। तो एक लाइन आपके सामने है, इस बिल का नाम क्या था? हाँ जी, बिल का क्या नाम था बच्चों, बताइए? कंपनी बिल 2012।
और कंपनीज एक्ट 2013। बात को समझे, एक साल में पास, व्हाट अ स्पीडी। क्यों ऐसा क्यों हुआ कि इतनी जल्दी हमें एक्ट बनाना है, नीड ऑफ द इकोनॉमी। अभी हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट कि रिप्लेस कर दिया था कंपनी एक्ट, क्यों कर दिया था, उसके पीछे भी हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो कंपनी बिल एक्ट बन गया 2013 में, प्रेसिडेंट की जो एसेंट्स ले ली अगस्त 29, 2013 में, एंड ऑफिशियल गजट में क्या हो गया। तो ये जो डेट है, हालांकि इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, बस ये समझना है कि कंपनीज बिल कब आया, 2012 में आया, ठीक है। मुद्दे की बात ये है कि अमेंडमेंट, पहले आपने बिल को एक्ट बनाया, फिर अमेंडमेंट कर चुके हो, फोर टाइम आप अमेंडमेंट कर चुके हो, तो ऐसे तो नहीं होता होगा ना कि बेटा एकदम अमेंडमेंट, जबरदस्ती अमेंडमेंट कर दो। क्यों, हर चीज की नीड होती है। तो खैर वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो हम धीरे धीरे उसे क्लियर करेंगे। अब जरा इस चीज को सम अप करते हैं, किस कमेटी ने जो है इस बिल बनाने की रिकमेंडेशन दी गवर्नमेंट को। कमेटी मतलब ग्रुप ऑफ द एक्सपर्ट पर्सन, ये चीज समझने की जरूरी है बेटा कि कमेटी जो एक्सपर्ट पर्सन थे, किस कमेटी ने कंपनीज एक्ट को बनाने के लिए रिकमेंडेशन दी। जे जे ईरानी कमेटी, कि एक ऐसा लॉ बनाया जाए जो कि नेशनल और इंटरनेशनल सिनेरियो के साथ कॉम्पेटेबिलिटी रख सके, सिंक्रोनाइजेशन रख सके, हारमोनी बना सके। उसके बाद कंपनी बिल पास हुआ, बिल बना ना, पहले एक ड्राफ्ट बना, ये ड्राफ्ट ऑफ लॉ होता है, ड्राफ्ट ऑफ एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013 बना और उसके बाद भी अमेंडमेंट आई। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सबसे पहले जे जे ईरानी कमेटी, इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि आप एक ऐसा लॉ बनाएं, क्या दी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को, एक ऐसा लॉ जो कि नेशनल और इंटरनेशनल सिनेरियो के साथ कंपेटेबल हो। फिर कंपनी बिल बना, कब बना, 2012 में, लेस अप्रूवल को। कंपनी एक्ट बन गया 2013 में, और उसके बाद अमेंडमेंट आ चुके हैं। ये फोर टाइम सीक्वेंस आपको और समझ लेना है कि ईरानी कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी थी कि एक ऐसा लॉ बनाया जाए जो कि नेशनल और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से मैच करता हो। फिर कंपनी बिल बना, क्योंकि हर लॉ से बनने से पहले एक बिल बनता है जो ड्राफ्ट लॉ होता है, फिर उसके बाद वो एक्ट में कन्वर्ट हुआ, और फिर फॉलो बाय द सेवरल अमेंडमेंट। तो हमने क्या क्या पढ़ चुके बच्चों, क्या क्या पढ़ चुके बताइए जरा प्लीज। मशीनरी पढ़ चुके हैं कंपनी लॉ की, स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं
कंपोजिशन पढ़ चुके हैं, जिसे स्ट्रक्चर को ही कंपोजिशन बोलते हैं, जिसमें आपने मशीनरी में तीन चीज पढ़ी कंपनी लॉ की, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। स्ट्रक्चर में हमने तीन चीज पढ़ी, सेक्शन, चैप्टर, शेड्यूल। डेवलपमेंट पढ़ लिया हमने कंपनी लॉ का, जिसमें हमने कितनी स्टेप पढ़ी, ये आइए कितनी स्टेप, ईरानी कमेटी, कंपनीज बिल, और देन आपका कंपनीज एक्ट और फिर अमेंडमेंट्स। लेजिस्लेटिव एक पेज पर मैं ले आया हूं सबको, हैशटैग वन, हैशटैग टू, हैशटैग थ्री। लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट, कंपनी लॉ किसने बनाया, पार्लियामेंट ने बनाया। एग्जीक्यूटिव एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। जुडिशरी एनसीएलटी और एनसीएलएटी। सेक्शन 470 सेक्शन। अब इसका जरा चार्ट पढ़ेंगे। सर आपने बोला था कि एक चार्ट के थ्रू आप हमें ग्रुपिंग करना सिखा सकते हैं, पहली क्लास में ही ग्रुपिंग ऑफ सेक्शन, हाउ सिंप्लीफाइड योर पेन बाय द बेस्ट मैनेजमेंट। मैंने देखा है, मैं आजकल देखता हूं बच्चों को, सर सेक्शन याद नहीं होते, सर ये याद नहीं होता, केस स्टडी आ गई, सेक्शन क्या कोट करें, क्योंकि तो सेक्शन का रट रखे हैं। रटना क्यों है, वाई द रट्टाफिकेशन बेटा, ये हमारा जो दिमाग है ना, ये कोई कचरे का डिब्बा नहीं है, इसे मैनेजमेंट के थ्रू स्मार्टली भी तो चीजें पुट कर सकते हो, समझो ना मेरी बातों को। हम एक प्रोफेशनल कोर्स के पार्ट है, तो ये रटने की जरूरत है भी नहीं। जस्ट आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा, और कहोगे आप देखने के बाद, अरे सर आप कह तो सही रहे थे। आई एम श्योर यू कि रियली रटने की जरूरत नहीं है। सर आप बहुत बात हो गई, अब बताओ सर कैसे है? देखो बच्चों, एक सर्कल बनाए, ये सर्किल आपका कंपनी एक्ट है, ऐसे समझिए, ये सर्कल आपका कंपनी एक्ट है, ऐसा समझ लीजिए। समझ लेते हैं सर, देखिए सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन करते हैं कंपनी का, क्यों करते हैं सर, क्योंकि जब तक कंपनी इनकॉर्पोरेट ही नहीं होगी, सेपरेट लीगल एंटिटी बनेगी, पहला है इनकॉर्पोरेशन करने के लिए आपने एमओए बनाया, एओए बनाया, आरओसी में जाकर रजिस्टर्ड हुए, कंपनी आपकी इनकॉर्पोरेट हो गई है, लीगल एंटिटी बन गई है, सेपरेट प्रॉपर्टी हो गई है, परपेचुअल सक्सेशन हो गया है, सारी करेक्टरिस्टिक्स आ गई हैं जो आप पढ़कर आए हैं, लेकिन सब इनकॉर्पोरेशन के बाद आती हैं, जो सब्सक्राइबर थे वो मेंबर बन गए हैं, समझ में आया बात। फिर आपने इनकॉर्पोरेशन कर लिया, फिर उसके बाद कहानी शुरू हुई आपकी फाइनेंस की, बिना पैसे कंपनी कैसे चलेगी, पैसा नहीं तो पास मेले लगे उदास, पैसा कैसे लाएं सर, आप अच्छी तरह जानते हो, सारी बातें मैं ही बताऊं, शेयर इशू करो, डिवेंचर इशू करो, प्रोस्पेक्टस लाओ शेयर इशू करने के लिए, हो गया काम, पैसे आ गए, पैसे आ गए, कंपनी चल गई,
कंपनी तो चल गई जब पैसे से ही तो कंपनी चली ना, फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ द कंपनी। अब क्या करें सर, अकाउंट बनाओगे नहीं बनाओगे, क्या मुनाफा है क्या घाटा है, प्रॉफिट एंड लॉस, पी एंड एल और आपकी बैलेंस शीट। अब ये तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट है, ये डायरेक्टर ने बनाई, क्या ये ट्रू फेयर, ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, इनका क्रॉस चेक कराओ। ऑडिट हो गया। अब जिन लोगों से आपने पैसे लिए थे, यहां पर जो पैसे लिए थे, शेयर इशू करे थे, इन्हें कुछ दोगे नहीं, ये पैसे क्यों देंगे भाई, तो इन्हें पार्ट ऑफ द प्रॉफिट भी तो देना पड़ेगा, लाभ में हिस्सेदारी तो दे दो, डिविडेंड। अब ये कहने लगे भाई मैंने तो ये नहीं सोचा था कि तुम इतना कम डिविडेंड दोगे, दोगे ही नहीं क्योंकि डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं होता। अब तो तुम ऐसा कर रहे हो, तुम तो मेरे साथ बेईमानी कर रहे हो, मैं नहीं, बंद करो, वाइंडिंग अप करो। बंद करो, कंपनीज क्रिएट बाय लॉ, कंपनीज रन बाय लॉ, कंपनीज एंड बाय लॉ। क्यों बच्चों, कंपनीज क्रिएट बाय लॉ, कंपनीज रन बाय लॉ, कंपनीज एंड बाय लॉ, ठीक है, लीजिए सर। अब शुरू करते हैं, पैसा किसने दिया, मेंबर्स ने दिया सर, ठीक है, तो मेंबर्स है ना, हम क्या मना कर रहे हैं, मेंबर्स नहीं है, क्यों भाई, इनकी क्या करा दो आप, मीटिंग्स, जनरल मीटिंग्स, एजीएम करा दो, एजीएम करा दो, ये भी खुश है। कंपनी को चलाने वाले कौन है सर, हाँ जी, कंपनी को चलाने वाले कौन है, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड का मतलब है कलेक्टिव डायरेक्टर इज नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन्हें कहाँ मिला दो, बोर्ड मीटिंग में मिला दो सर, पूरा एंटायर कंपनीज एक्ट है, एंटायर कंपनीज एक्ट आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, समझ गए, ये पढ़ना है आपको। सबसे पहले कंपनी को क्या करें, क्या करें जल्दी बता दो, सबसे पहले कंपनी को क्या करें, जो तुम कह दोगे वो कर देंगे, सबसे पहले कंपनी को क्या करें, इनकॉर्पोरेट, फिर पैसा ले आओ, फिर अकाउंट बनाओ, इंडेक्स खोलकर देख लेना बेटा, फिर ऑडिट कराओ, ट्रू एंड फेयर है नहीं है, डिविडेंड दे दो, मीटिंग्स में चलाओ, कौन चलाएंगे, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, किसमें, बोर्ड मीटिंग में, मैंने क्या किया, ये जो मैंने चार्ट आपके सामने बनाया, मैंने क्या किया है बताओ, मैंने ग्रुपिंग की है, मैंने ग्रुपिंग की है, इन ग्रुपिंग्स के हिसाब से सेक्शन याद करो और उनके अंदर के इंटरकनेक्शन को पकड़ो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे पढ़ना है, फिर मुझे बोल कर दिखाना कि हम बोल गए सर, और एक एक्सीलेंस विजन निकलेगा आपके दिमाग में, क्वालिटी निकलेगी लो पढ़ने की, ऐसा नहीं है कि जो है बस उठाई किताब और 350 पेज 5 बार पढ़ने हैं, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, 80% पेपर आर बेस्ड ऑन केस स्टडी, टू बी वेरी क्लियर,
तो हमें पढ़ना क्या क्या है, हमें पढ़ना क्या क्या है सर बताइए। सबसे पहले हाउ टू रीड, सर मैंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। तो सबसे पहले क्लैरिटी ऑफ प्रोविजन, क्लैरिटी ऑफ प्रोविजन इज मस्ट इंपॉर्टेंट। अनदर केस स्टडी उस प्रोविजन से रिलेटेड और केस लॉज। और फिर इनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन मच मोर इंपॉर्टेंट। तो ये फोर पिलर्स हैं जिनके बेस पर आप बेटर करोगे। देयर आर द फोर पिलर्स। तो बच्चों इस तरीके से हमें चीजें पढ़नी होती हैं कि कंपनीज एक्ट, क्या केवल कंपनीज एक्ट पढ़ना है सर? कभी कभी सोचते हैं, हमारे सब्जेक्ट का नाम कंपनी लॉ है सर। आपने तब तक कंपनीज एक्ट के बारे में बताया, बेईमानी कर रहे हो आप, तो पूरी बात ही नहीं बता रहे क्यों बच्चों? तो आज मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, कंपनी लॉ कंटेन टू थिंग्स, कंपनीज एक्ट 2013 470 सेक्शंस और रूल्स, और ये दोनों हम साथ साथ हैं। एक साथ पढ़े जाते हैं। रूल्स डायरेक्टर के लिए अलग से रूल बनाए हैं, रूल्स मेड बाय सीजी, अब तो समझ में आ गया होगा सीजी कौन है, एंड लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, मेड बाय पार्लियामेंट। समझ आया बात बेटा? तो अगर मैं कंपनी लॉ की बात करूं तो कंपनी लॉ में आपको ये दो चीजें पढ़नी है एक साथ। आप जब आगे डायरेक्टर पढ़ेंगे तो डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर रूल्स अलग है, मीटिंग के रूल्स अलग है, डिपॉजिट के रूल अलग है। तो वो जो मैंने सर्कल बताया उस सर्कल में कितने सेक्शन थे? 470 सेक्शन थे, लेकिन उनके साथ रूल्स हैं जो रूल्स मेड बाय सीजी हैं, जो रूल्स मेड बाय एमसी हैं, जो आपको पढ़ने हैं। तो डेट आर सो मच इंपॉर्टेंट कि कंपनी लॉ में क्या क्या है। आज की जो लेक्चर है जो हम फोकस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि सर कंपनी लॉ बना कब, कैसे पढ़ना है, क्या क्या कंटेंट है। अब मैं आपसे कहता हूं मेक योर इंडेक्स योर सेल्फ। हाँ जी, मेक योर इंडेक्स योर सेल्फ, मेक्स योर इंडेक्स योर सेल्फ। तो जी सबसे पहले तो इनकॉर्पोरेशन की बात कर लेंगे हम। अब सीधा इनकॉर्पोरेशन आरओसी में मत पहुंच जाना, पहले एमओ या एओए भी तो बनाओगे। टाइप्स ऑफ कंपनीज की बात होगी, एमओए बनेगा, एओए बनेगा, एमओए एओए से रिलेटेड डॉक्ट्राइन्स हम पढ़ेंगे। देन जी फाइनेंस पोर्शन हो गया, देन जी अब फाइनेंस में क्या क्या होगा सोचो जरा, प्रोस्पेक्टस, शेयर, डिवेंचर, डिपॉजिट, अकाउंट बनेंगे,
ऑडिट होंगे। सर क्या है, कितना आसान है ना, डिविडेंड बटेगा, मीटिंग्स होंगी, वाइंडिंग अप आपका एसबीसी में चला गया। अकाउंट में आपका क्या होने वाला है, हाँ जी अकाउंट में क्या होने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ऑडिटर अपॉइंट होने वाले हैं, टाइप्स ऑफ ऑडिट आ जाएंगे, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट डिविडेंड है, मीटिंग्स में आपकी जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग्स आ जाएंगी, ये सब आपका कंटेंट है। इन्हीं के एक्सपेक्ट के हिसाब से लास्ट में आके अपने सेक्शन लिखते चले जाओ, इस ग्रुप में ये सेक्शन, 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 तो आपकी वो जो बोदरेशन है, वो जो आपकी बोदरेशन जो आपके सामने आती है वो खत्म हो जाएगी। डोंट बोदर विद द लॉ, मेक योर इंडेक्स योर सेल्फ, फोकस ऑन फोर पिलर्स, समझे, तो लिखते जाओ। तो कैसे लिखते हैं वो सब पार्ट ऑफ द क्लास होगा, वो चलता रहेगा, वो हम आपको बताएंगे कि एग्जाम में कैसे लिखते हैं, एग्जाम पेपर हम डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर, आईसीएसआई के एग्जाम पेपर डिस्कस करेंगे, बुक्स के अंदर आप देखेंगे 450 केस स्टडी हैं मेरी बुक्स के अंदर, एनालिसिस करेंगे प्रोविजंस के साथ, खेलेंगे उनके साथ, नहीं तो लास्ट में हमारे साथ खेलेगा तो हम उनके साथ खेलेंगे ड्यूरिंग क्लास। तो ये बच्चे अब हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे सर, कंपनी, कंपनी जैक तो कंपनी पर ही लग रहा है ना बेटा, कंपनी क्या होती है, ये जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसे कवर करेंगे कि कंपनी होती क्या है बेटा, ठीक है, ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।